तो जो आपका फिफ्थ पेपर है और सिक्स पेपर जो है पूरा यूपी पीसीएस में जो है, आप पहले क्या था, ऑप्शनल था, ऑप्शनल की जगह पे पांचवा पेपर और छठवां पेपर लाया गया है। सभी दोस्तों को नमस्कार, टूटे साजिश के चैनल पे सभी का नमस्कार है। आज हम बात करेंगे यूपी स्पेशल पे। इसके पहले भी हमने यूपी स्पेशल पे बात किया था और आज यूपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में आए हुए हैं आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में, प्रीवियस जो भी पेपर यूपी में हुए हैं उनसे रिलेटेड जो है जो क्वेश्चन हैं एमसीक्यू फॉर्म में जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। उत्तर प्रदेश को जानेंगे क्योंकि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। तो पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है, कितने जिले जो हैं बुंदेलखंड रीजन में आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है और आपको इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं कि पांच जिले हैं या छह है या सात है या आठ है, ये चार ऑप्शन है। चलिए मान लीजिए आपको कुछ नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है शुरुआती दौर में मैंने क्या बताया था कि पूर्व में कौन है, पूर्व में आपका है बलिया, पूर्व में क्या है ईस्ट में, ईस्ट में एक जिला है जिसका नाम है बलिया। वेस्ट की बात की जाए, पश्चिम की बात की जाए तो पश्चिम में एक जिला है जिसका नाम है शामली। ठीक है, उत्तर की बात की जाए, उत्तर में है आपका सहारनपुर। उत्तर में अगर बात की जाए, नॉर्थ में बात किया जाए, नॉर्थ में एक जो है जिला जो है मंडल भी चुकी कह सकते उसे, वो है आपका सहारनपुर है। एंड साउथ में अगर बात करें तो साउथ में आपका सोनभद्र, ये शुरुआत में मैं आप सभी से बताया था। और इसमें ये पूछ रहा है कि आप बताइए कि सर बुंदेलखंड का जो रीजन है, बुंदेलखंड जो आर्थिक क्षेत्र में जो यूपी में 75 जिले हैं, उन जिलों में जो है बुंदेलखंड का कितना जो है, कितने जिले उसमें हैं। ठीक है, तो उसमें कितने जिले हैं टोटल यूपी में, जिलों की संख्या है वो है 75 और बुंदेलखंड का पूछ रहा है क्योंकि कुछ पार्ट एमपी में है कुछ पार्ट यूपी में है। भाई यूपी इतना बड़ा है कि उत्तर प्रदेश को चार भागों में बांटने की बात की जा रही है, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल और दक्षिणांचल। और जबकि सीटों की संख्या देखेंगे तो पूर्वांचल में सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पेपर में आपसे पूछी हुई हैं। ठीक है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पेपर में आपसे पूछा हुआ है। चूंकि अगर मैं यूपी में बात करूं तो यूपी में अगर देखेंगे तो जिलों की संख्या कितनी है, तो जिलों की संख्या है कितने डिस्ट्रिक्ट है, तो यूपी में आपके जिलों की संख्या कितनी है, 75। अगर मंडल देखेंगे कितने हैं, उत्तर प्रदेश में मंडल कितने हैं, तो मंडल आपके 18 मंडल है। ठीक है, इसके साथ साथ यूपी में अगर देखेंगे, अगर राजधानी के बारे में बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी 1836 से जो राजधानी थी वो आपकी थी सबसे पहले आगरा। कहां पे थी, आगरा थी। फिर कहानी यू बढ़ा 1857 के रिवॉल्ट के बाद 1857 से जो राजधानी चेंज हुआ वो राजधानी आपका कौन सा हो गया, वो राजधानी आपका हो गया प्रयागराज, प्रयागराज। इसके बाद अगर हम बात करें 1920 से ये हो गया लखनऊ, लेकिन ये आंशिक था। ठीक है, इसके बाद 1938 के बारे में बात करें तो लखनऊ ये जो है पूर्णतः हो गया, पूर्णतः रूप से जो है हो गया। ठीक है, और आप सभी को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश जो है 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम घोषित किया गया, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का जो नामकरण किया गया, उत्तर प्रदेश का वो 24 जनवरी 1950 को किया गया उत्तर प्रदेश का नामकरण, नामकरण। ठीक है, पूछे कि 24 जनवरी वो डेट है जिस दिन जो है उत्तर प्रदेश का नामकरण यूपी नाम से इसे जाना जाएगा, ये कहा गया। इसके साथ अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का, तो राज्य का पुनर्गठन किया गया, राज्य का पुनर्गठन किया गया, उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ। और पुनर्गठन कब हुआ, पुनर्गठन हुआ नवंबर में, 1 नवंबर 1956 को हुआ, 1 नवंबर 1956 को हुआ। इसके बाद अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश के थोड़ा सा इतिहास भी मैं आपको बता दे रहा हूं। इसके बाद हुआ कि राज्य का विभाजन, राज्य का विभाजन अगर आपसे पूछे तो राज्य का विभाजन अगर आप देखें कि राज्य पहले चूंकि यूपी में उत्तराखंड भी था तो यूपी के 13 जिले कटकर जो है उत्तराखंड में चले गए, उत्तराखंड मतलब उत्तराखंड देहरादून। तो राज्य का विभाजन हुआ कब, 9 नवंबर सन 2000 को, 2000 में जो है एक नया राज्य अस्तित्व में आया। चूंकि सन 2000 में तीन राज्य अस्तित्व में आए, जैसे यूपी से उत्तराखंड बना, बिहार से झारखंड बना और मध्य प्रदेश से एक राज्य बना जिसका नाम है छत्तीसगढ़।
अगर ये जितना भी डेटा है कहीं ना कहीं पेपर में आपसे पूछा गया है, ठीक है, अगर आपसे पूछे कि जब उत्तराखंड राज्य बना तो उस समय यूपी की सीएम कौन थी, तो यूपी की जो सीएम थी, याद रखिएगा, उस समय यूपी की सीएम थी सुश्री मायावती देवी, ठीक है। यूपी की जो सीएम अगर आपसे पूछे कौन थी यूपी की, तो कौन था, मायावती देवी। अब तक चार बार, फोर टाइम्स जो है यूपी की सीएम बन चुकी है, फोर टाइम्स जो है ये यूपी की सीएम बन चुकी है मायावती, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा समय तक चार बार रिकॉर्ड है इनका। काफी बार ये मुख्यमंत्री होने का गौरव इन्होंने प्राप्त किया, लेकिन इस बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उस विधानसभा के चुनाव में अगर कोई पूछे कि जो बहुजन समाजवादी पार्टी था, जिसे हम बीएसपी कहते हैं, उस बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थिति यह थी कि विधानसभा में सिर्फ एक सीटें आई, वो भी सीटें कहां की आई, वो भी सीटें अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि वो सीटें कहां की थी, वो सीटें थी पूर्वोत्तर साइड की, पूर्व में अगर कहा जाए बलिया जिले की एक सीट है जिसका नाम है रसड़ा, रसड़ा विधानसभा का एक सीट है, मात्र उत्तर प्रदेश की वो पार्टी जो कभी राष्ट्रीयकृत पार्टी होने का दर्जा प्राप्त था, आज वो पार्टी की स्थिति थी कि एक सीट मात्र आई उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, बलिया जिले के अंदर एक रसड़ा विधानसभा है, वहां से एक सीटें मात्र जीती है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें इस बार के लोकसभा चुनाव में भी, तो इस बार के लोकसभा चुनाव में अगर आप देखेंगे तो लोकसभा चुनाव में जो है अगर बात की जाए तो इन पार्टी की स्थिति जीरो है, कोई भी सांसद नहीं। जबकि यूपी में अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश में इस समय कितनी सीटें हैं विधानसभा की, लोकसभा की, राज्यसभा की, विधान परिषद की, तो लोकसभा की सीटें हैं 80, सबसे हाईएस्ट। राज्यसभा की सीटें देखें उत्तर प्रदेश में 31, विधानसभा की सीटें किया जाए तो 403, और विधान परिषद की सीटों की बात की जाए तो 100 यहां पर सीटें हैं। और क्षेत्रीय एक पार्टी है जिसका नाम है समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश में इस बार के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी है, रीजनल क्षेत्रों पे वो, एरिया पे वो बात करती है, ठीक है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आए आप करने की स्थिति में रहेंगे तो इस बात को याद रखिए, ठीक। तो ये क्वेश्चन पूछा कि कितने जनपदों की संख्या है, जनपद पूछ रहा है, क्योंकि यूपी इतना बड़ा है, 24 करोड़ की जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश को बांटना, जैसे मैंने कहा कि पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल और दक्षिणांचल की जो बात की जा रही है, ये इसलिए नहीं हो पा रहा है कि अगर देखें विधानसभा सीटों की संख्या सबसे ज्यादा पूर्वांचल में, जो बुंदेलखंड एरिया है काफी, चूंकि औद्योगिक कुछ है नहीं वहां पे, ठीक है। अगर पूर्वांचल देखेंगे तराई बेल्ट है, पश्चिमांचल देखें पश्चिम एरिया, देखें पश्चिम उत्तर प्रदेश, ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था, हरित क्रांति हुई थी, तो काफी, मतलब एक तरह से कहा जाए इसको विभेद करना काफी डिफरेंट है। अभी बात चल रही है, पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश के याद रखिएगा टोटल 75 में से कितने जनपदों की पूछा, चूंकि इस क्वेश्चन पूछा मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया, तो 7 जिले हैं, कौन कौन से हैं, एक आपका चित्रकूट, चित्रकूट क्या है, चित्रकूट एक मंडल भी है, और चित्रकूट क्या है, एक जिला भी है, जैसे उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है, और जो मंडल होता है वो जिला भी होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो चित्रकूट क्या है, बुंदेलखंड में पड़ता है, बांदा, बांदा भी चूंकि आपका बुंदेलखंड में पड़ता है, एक जिला है, महोबा, महोबा भी जो है आपका बुंदेलखंड एरिया में है, हमीरपुर भी जो है आपका बुंदेलखंड में पड़ता है क्षेत्र में, जालौन है, झांसी है, और इसके साथ साथ ललितपुर, ललितपुर चूंकि तांबा के उत्पादन के लिए काफी फेमस है, तांबा, ठीक है। और ललितपुर जो है, अगर हम बात करें सिर्फ ललितपुर की, तो ललितपुर वो एरिया है जो तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, तीनों ओर से किससे घिरा है, तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ, एमपी से, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा बॉर्डर जो है, यूपी सबसे ज्यादा जो बॉर्डर शेयर करता है वो मध्य प्रदेश के साथ करता है। यूपी के 11 जो जिले हैं, 11 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, और यूपी सबसे कम किसके साथ करता है, तो यूपी सबसे कम सीमा साझा करता है वो हिमाचल प्रदेश के साथ करता है। हिमाचल प्रदेश वो प्रदेश है जहां की 90% पॉपुलेशन जो है जो गांव में निवास करते हैं। सबसे ज्यादा पूछे तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा, और सबसे कम पूछे तो सबसे कम आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, सबसे कम हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। इसके साथ साथ अगर हम बात करें यूपी का, यूपी जो है 8 राज्यों से जो है सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश अपना, और 8 राज्य कौन कौन से हैं यूपी से जो कनेक्टेड हैं, यूपी 8 राज्य और एक यूटी से सीमा साझा करता है। फर्स्ट यूटी, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, जिसे हम दिल्ली के नाम से जानते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। अगर 8 राज्यों के बारे में अगर हम बात करें तो आप देखेंगे
तो यूपी से आपका मध्य प्रदेश भी कनेक्टेड है, आपका छत्तीसगढ़ भी कनेक्टेड है, बिहार भी है आपका, इसके साथ साथ झारखंड भी है, इसके साथ साथ अगर आप देखें तो आपका आपका जो है हिमाचल प्रदेश भी है आपका, आपका अगर देखेंगे तो हरियाणा से भी कनेक्टेड है, इसके साथ साथ अगर आप देखें उत्तराखंड से भी कनेक्टेड है उत्तर प्रदेश जो है, ठीक है, और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक और बचा है वो मध्य प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश है और राजस्थान भी है आपका, राजस्थान। यूपी के दो जिले आगरा और मथुरा जो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं, अगर आपसे कोई पूछे तो बताइए कि राजस्थान के साथ कितना सीमा साझा करते हैं, तो राजस्थान के साथ, चूंकि राजस्थान एक ऐसा जगह है जहां पर त्योहारों का शहर कहा जाता है राजस्थान को, जयपुर पिंक सिटी है, तो जैसलमेर आपका जो जो उदयपुर है झीलों का शहर कहा जाता है, ठीक है। तो अगर राजस्थान से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के दो जिले हैं आगरा और मथुरा, आगरा और मथुरा, ठीक है, ये दोनों क्या राजस्थान से सीमा साझा करते हैं, बगल में भरतपुर है और भरतपुर में केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप सभी को जानना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का, जो पूर्व में मैंने कहा कि बलिया, चूंकि बलिया पूर्व में है और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह जी का गृह जनपद है उत्तर प्रदेश में, ये पूर्व में आपका कौन सा है, बलिया है, पूर्व में बलिया है। बलिया जो है आप देखेंगे बिहार से भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, चूंकि यूपी के 7 जिले जो है बिहार से बॉर्डर शेयर करते हैं। पश्चिम जैसे मैंने कहा कि शामली, पश्चिम में कौन है, शामली, इसको भी जो है एनसीआर में नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है जिसे हम कहते हैं उसमें शामिल करने की बात चल रही है। इसके साथ साथ अगर उत्तर में मैंने कहा कि सहारनपुर, सहारनपुर वो जिला है, वो मंडल है जो 3 राज्यों से घिरा हुआ है, और वो 3 राज्य कौन कौन से हैं, एक तो आपका हिमाचल प्रदेश, इसके साथ साथ हरियाणा और इसके साथ साथ उत्तराखंड, यूके मीन्स उत्तराखंड। ये सारा डेटा जो मैं दे रहा हूं, ये सारा क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर में पूछे गए, ठीक है। बलिया हो गया आपका, और जो मैंने कहा दक्षिण में कौन सा है, तो दक्षिण में आपका सोनभद्र है। सोनभद्र ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो 4 राज्यों से कनेक्टेड है, बिहार भी है आपका तो झारखंड भी है, झारखंड होगा तो मध्य प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश होगा तो छत्तीसगढ़ होगा, तो ये है यूपी। इसीलिए यूपी के चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मुस्कुराइए आप उत्तर प्रदेश में हैं, क्योंकि यूपी का समग्र पढ़ना, होलिस्टिक अप्रोच चाहिए उत्तर प्रदेश पीसीएस निकालने के लिए, क्योंकि 5th पेपर और 6th पेपर जो निकला हुआ है, तो जो आपका 5th पेपर है और 6th पेपर जो है पूरा यूपी पीसीएस में जो है, आप पहले क्या था, ऑप्शनल था, ऑप्शनल की जगह पे 5वां पेपर और 6वां पेपर लाया गया है, पूरे यूपी को जानने की बात की गई है। इसीलिए मैं सारा चीजें आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन कहीं से भी आए, किसी प्रकार का आए, आप करने की स्थिति में रहेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा सहारनपुर जो है 3 राज्यों से, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और सोनभद्र देखेंगे 4 राज्यों से घिरा हुआ है। आप बिहार बगल में है तो झारखंड भी है, मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ भी है, पूर्व में बलिया है और बाकी बलिया इसे कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह जी का गृह जनपद है बलिया, ठीक है, बिहार से भी बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप सभी को याद होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ये आपका बुंदेलखंड में जो जनपदों की संख्या है तो टोटल कितने हैं, 7 है, ठीक है। तो याद रखिएगा टोटल 7 है आउट ऑफ 75, टोटल कितने हैं, 7 है। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है शिवालिक, दूसरा है विंध्याचल, तीसरा है रुहेलखंड यानी कि बरेली की बात कर रहा है, और चौथा है बुंदेलखंड। 4 पूछ रहा है और ये पूछ रहा है कि आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। अब बात करें हम बुंदेलखंड का, अभी मैंने कहा ना कि कुछ जो है जिले जो है उत्तर प्रदेश में है बुंदेलखंड रीजन का, और कुछ जो है मध्य प्रदेश में, और इसीलिए उत्तर प्रदेश जो है मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो है, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, बुंदेलखंड हो जाएगा, ठीक है। चूंकि मैंने इसका कहा इसका प्राचीन नाम क्या था, तो इसका प्राचीन नाम जिजाक भुक्ति था, यह भी आप सभी को याद रखना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलियों से निर्मित है और भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है, और इसका विस्तार उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में भी है, और इसका प्राचीन नाम याद रखिएगा जिजाक भुक्ति के नाम से इसे जाना जाता था। अगले प्रश्न पे बात करते हैं, अगला प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, ठीक है।
ये बोला गया है कि उत्तर प्रदेश के ये जनपद है अधिकतम और न्यूनतम क्षेत्रफल है। लखीमपुर खीरी बोल रहा है कि अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल। सोनभद्र कह रहा है कि अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल। सीतापुर कह रहा है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला। और संत रविदास नगर यानी भदोही पूछ रहा है कि न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश का अगर क्षेत्रफल पूछे तो सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है वो है लखीमपुर खीरी। और लखीमपुर खीरी जो है नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। और सबसे छोटा क्षेत्रफल अगर पूछे तो वह है आपका हापुड़। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को जो है पुर का ग्रास के नाम से जाना जाता है। तो पुर का ग्रास किसे कहा जाता है? पहला है गोरखपुर, दूसरा है मुरादाबाद, तीसरा है बनारस, चौथा है कन्नौज। अब एक बात बताओ, पुर का ग्रास के नाम से बोल रहा है। आप सभी जानते हो कि कन्नौज जो है पूरी दुनिया में अपने इत्र परफ्यूम के लिए जो है फेमस है। परफ्यूम उद्योग बहुत ज्यादा है कन्नौज में। तो ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पुरु का ग्रास किसे कहते थे? तो पुरु का ग्रास कहा जाता है कन्नौज को। किसको? कन्नौज को। ऑप्शन हो जाएगा डी। बात आई मुरादाबाद, तो मुरादाबाद में जो है पीतल की बर्तन का काम होता है मुरादाबाद में। ठीक है, आपकी डीएसपी की ट्रेनिंग जो होगी, जब आप डीएसपी सेलेक्ट होंगे तो आपकी ट्रेनिंग जो है मुरादाबाद में होगी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब वाले में। मुरादाबाद पीतल की मूर्ति, पीतल के बर्तन का काम ज्यादा होता है। ठीक है, मुरादाबाद में। गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर चूंकि एक मंडल है गोरखपुर, और गोरखपुर मंडल में चार जिले आते हैं। गोरखपुर में गीता प्रेस भी है, गोरखनाथ मंदिर भी है, और बाबा जी भी गोरखपुर से आते हैं, यूपी के सीएम साहब भी। तो गोरखपुर मंडल की अगर हम बात करें तो गोरखपुर मंडल में चार डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसके अंदर एक देवरिया डिस्ट्रिक्ट है, देवराहा बाबा की तपोभूमि, इसके साथ साथ कुशीनारा, कुशीनगर। अगर हम बात करें कुशीनगर, जहां गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, मल्लों की राजधानी थी। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे गोरखपुर में, तो गोरखपुर एक मंडल भी है, तो गोरखपुर एक डिस्ट्रिक्ट भी है। इसके साथ साथ गोरखपुर में अगर हम बात करें तो गोरखपुर में जो है देवरिया है, कुशीनगर है, गोरखपुर खुद है, और एक है महाराजगंज। महाराजगंज, और महाराजगंज भी नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है नेपाल के साथ, क्योंकि यूपी के 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसमें बलरामपुर है, श्रावस्ती है, सिद्धार्थ नगर है आपका, बहराइच है। इसके साथ साथ जो है महाराजगंज की मैंने बात किया ही है, ठीक है, बलरामपुर भी है आपका। तो ये सब जितना भी मैं आपको बात कर रहा हूं, ये सभी चूंकि नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल चुका है। अगला क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो बुंदेलखंड जो है क्षेत्र का हिस्सा है, क्योंकि पीलीभीत भी जो है नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अब इसमें देखिए क्या दिया है, बुंदेलखंड का पूछ रहा है। हम जानते हैं कि बुंदेलखंड 7 है, 7 डिस्ट्रिक्ट के बारे में अभी हमने बात किया, 7 जिले। और इसमें पूछ रहा है कि आप बताइए कि क्या चंदौली है, क्या औरैया है, महोबा है, एटा है। तो पूछ रहा है कि बुंदेलखंड का कौन सा है। तो माय डियर, अभी हमने बात किया किसका? महोबा का। ठीक है, महोबा का हमने बात किया, क्योंकि महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र में आता भी है। रही बात चंदौली की, तो बनारस के बगल में एक जिला है जिसका नाम है चंदौली। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा बुंदेलखंड का महोबा हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का मतलब मैच द कॉलम करना है। कुल मिला के यही कहा है, हिंदी में है, इंग्लिश में मैं बोल दे रहा हूं। यहां पर दिया हिमालय की जो चोटियां हैं, और दूसरी तरफ जो है स्टेट दिया हुआ है। यहां पूछ रहा है नंगा पर्वत, और यहां दिया है नंदा देवी, तीसरा है कंचनजंगा। माय डियर, यहां दिया है जम्मू कश्मीर, सिक्किम और उत्तराखंड। अमूमन देखा गया है यूपीपीएससी की परीक्षाओं में, अगर आपको एक भी ऑप्शन पता है तब भी कर जाओगे आप। मान लीजिए कुछ नहीं पढ़ा आपने, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि पढ़ोगे नहीं आप, पढ़ोगे तभी तो यूपी निकलेगा, तभी तो मुस्कुराओगे उत्तर प्रदेश में। अगर आपको पता है कि कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में है, यानी कि हमारा सी का 2 हो जाएगा, तो सी का 2 देखिए क्या हमारे एक ऑप्शन से आंसर आ रहा है। सी का 2 देखिए यहां पे दिया हुआ और यहां पे दिया हुआ है, इससे ये क्लियर हुआ कि ए तो हमारा होगा ही नहीं, कोई बात नहीं, सी हमारा होगा ही नहीं, ये भी काट दिया। बात आती है नंगा पर्वत की, तो नंगा पर्वत कहां पर है? नंगा पर्वत आपका जम्मू कश्मीर में है, यानी ए का हमारा हो जाएगा फर्स्ट, तो ए का हो जाए फर्स्ट, यानी कि ए तो फर्स्ट इसी में दिया हुआ है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा B
बी हो जाएगा, क्योंकि नंदा देवी जो है, नंदा देवी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड चूंकि यूपी का पार्ट था, और जैसे मैंने कहा कि 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी मायावती जी, और 9 नवंबर को जो है उन्होंने राज्य का विभाजन किया और यूपी से एक अलग कटकर एक अलग राज्य बना जिसका नाम है उत्तराखंड। और उत्तराखंड चूंकि टूरिज्म का हब है, वहां की आय का जो स्रोत है वो है पर्यटन, लोगों को रोजगार देता है, कोई बड़ी कंपनी तो है नहीं वहां पर। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो हरिद्वार हुआ, या आपका ऋषिकेश, या सेलेक्वी जो है, विकास नगर है, कुछ ऐसे एरिया है जहां पर जो है कुछ कारखाने लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शहर को अभी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है? माय डियर, इसमें दिया हुआ है जिंद दिया है, करनाल दिया है, इसके साथ साथ अलीगढ़ है और मुजफ्फरनगर है। ये चीज याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के 8 ऐसे जिले हैं। पहले तो ये जान लो कि एनसीआर है क्या। एनसीआर का फुल फॉर्म आजकल परीक्षाओं में फुल फॉर्म भी पूछ दे रहा है। अभी एक पेपर हुआ था एपीएस का, अपर निजी सचिव जिसे कहते हैं, उसमें पूछ दिया था यूआईडीएआई का फुल फॉर्म क्या है, बताइए। सीसेट इसीलिए लाया गया है। आप सभी पेपर में जो है अगर फुल फॉर्म नहीं पता है तो आधार कार्ड तो लेके सभी जाते हो, पीछे लिखा रहता है भाई, आधार कार्ड तो एंट्री होती है एडमिट कार्ड के साथ, आधार कार्ड तो लेके जाते हो ना आप सभी, तो उसमें फुल फॉर्म लिखा रहता है। पेपर में ये तक पूछा है पैन कार्ड में ए का मतलब क्या होता है, आरटीजीएस का फुल फॉर्म पूछ देता है, पिन कोड कितने डिजिट का ये तक पूछ देता है, यूपी में चौरी चौरा किस जनपद में, ये तक क्वेश्चन पूछा गया है। तो थोड़ा सा अनुभव का जो है सदुपयोग कीजिए और मुस्कुराइए, आप उत्तर प्रदेश में है। एनसीआर मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है, याद रखिएगा। इसके साथ साथ एक और याद रखिएगा, नोएडा का फुल फॉर्म, जो नोएडा नोएडा आप करते हो, जिसका हेड गौतम बुद्ध नगर, जिसका हेडक्वार्टर नोएडा है। एन फॉर होता है न्यू, ओ फॉर होता है ओखला, ओखला एक जगह भी है। आई फॉर इंडस्ट्रियल, डी फॉर डेवलपमेंट, और ए फॉर अथॉरिटी, ठीक है, याद रखिएगा। ये है आपका नोएडा का फुल फॉर्म, जिस नोएडा को आप कहते हो, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे हम नोएडा कहते हैं, और गौतम बुद्ध नगर का हेडक्वार्टर जो है वो आपका नोएडा है, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसका सही जवाब, अभी बात चल रही है अलीगढ़ का, अलीगढ़ चूंकि सबसे लास्ट वाला जो है क्या बना है, सबसे लास्ट वाला जिला बना है उत्तर प्रदेश, मंडल बना है अलीगढ़, ठीक है, यूपी का 18वां मंडल अलीगढ़, ताला बड़ा फेमस है अलीगढ़ का, आप सभी जानते भी हो, ठीक है, याद रखिएगा। चूंकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश के 8 जिले, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर और शामली हरियाणा के फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, मेवात है, रोहतक है, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, महेंद्रगढ़, भिवानी, जिंद, करनाल तथा राजस्थान के भरतपुर, जो केवलादेन राष्ट्रीय उद्यान चूंकि भरतपुर में ही है, और अलवर, ये सब शामिल किए गए हैं, यूपी के 8 जिले किए गए हैं। अलीगढ़ पे अभी बात चल रही है। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है? पहला है उत्तर प्रदेश बिहार सीमा के अंतर्गत, दूसरा है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश नेपाल और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। एक बात बताओ, जब मैंने बुंदेलखंड बोली दिया, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल और दक्षिणांचल, और बुंदेलखंड के 7 जिले जो है उत्तर प्रदेश में है, तो ये किस में आएगा, ये बताओ। अगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी मालूम होगा तो आप कभी बिहार लगाओगे? नहीं सर, बिहार के, यूपी के 7 जिले जो है बिहार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, ये तो लगाएंगे नहीं हम। मध्य प्रदेश के साथ, बिल्कुल सही जवाब है सर, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में यूपी के भी जिले आते हैं और मध्य प्रदेश के भी आते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। इसलिए चूंकि नेपाल से तो दूर दूर तक नहीं है भाई, यूपी के 7 जिले नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, अभी मैंने बताया, ठीक है, महाराजगंज है, पीलीभीत है, श्रावस्ती है, चूंकि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था तो सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया था, बहराइच है, ठीक है, बलरामपुर है, ये सारा सिद्धार्थ नगर है, आप सभी जानते हैं। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है, यूपी और बिहार दोनों, और आप जानते हो ना कि सबसे ज्यादा सीटें भी हैं, और इस बार का जो गठबंधन बना है बिहार, देखिए कितना बड़ा रोल अदा कर रहा है। खैर, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है, पहला ऑप्शन है बस्ती, दूसरा है बुलंदशहर, तीसरा है बांदा और चौथा है बलिया, और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी जानते हो,
मैं बार बार कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के अगर पूर्व में देखा जाए तो ईस्ट में कौन है, ईस्ट में बलिया है, बागी बलिया के नाम से फेमस है बलिया। तो बलिया के बगल में क्या है आपका, बिहार है। बलिया के बगल में क्या है, बक्सर है, बिहार है। बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, यानी कि बलिया है। और बलिया जो है देवरिया के साथ भी सीमा साझा करता है, ठीक है, याद रखिएगा। गाजीपुर चंदौली के साथ भी, देखिए सोनभद्र है, गाजीपुर है, बलिया है, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज सब है, याद रखिए सब चीजें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार बताने की इसको जरूरत नहीं है। चलिए, पूर्व में कौन है, बलिया है, पश्चिम में शामली है, वही क्वेश्चन रिपीट। निम्नलिखित में से कौन सा जिला इन राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य देश के साथ सीमा साझा नहीं करता। जब भी क्वेश्चन में नहीं आए तो करना क्या है, सतर्क हो जाना है, नहीं पूछे, असत्य पूछे तो एकदम शांत हो जाइए, क्योंकि हम हमेशा जो है ट्रू पढ़ते हैं, फाल्स तो पढ़ते नहीं है। पूछा है, नहीं है, कौन सा जिला से घिरा नहीं है। एक बात बताओ, सहारनपुर, सहारनपुर कहाँ है मैप में? सहारनपुर तो सर नॉर्थ में है, उत्तर में है, सॉरी या नॉर्थ है ये, इसको तो नॉर्थ ही कहते हैं ना, नॉर्थ हो गया सहारनपुर, सीमा साझा नहीं करता, पूछ रहा है। दूसरा देवरिया, देवरिया चूंकि बलिया के बगल में है, देवरा बाबा की तपोभूमि है। तीसरा है हरदोई और चौथा है ललितपुर। ललितपुर तो तीनों ओर से घिरा हुआ है, ललितपुर के बारे में अभी बोला, ललितपुर तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और ललितपुर जो है आप सभी जानते हैं तीन तरफ से जो है ये मध्य प्रदेश से घिरा, तीन तरफ से एमपी से घिरा हुआ है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के साथ। जैसे मैंने कहा कि यूपी के 11 जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। सहारनपुर के बारे में जब मैंने बात किया, सहारनपुर चूंकि नॉर्थ में है, उत्तर में है, और तीन राज्य हिमाचल प्रदेश बगल में है, उत्तराखंड है और हरियाणा है आपका, ठीक है, हरियाणा, ठीक है। तो इसमें कहीं पर भी ये बताइए, देवरिया आपका देख रहे हैं कि बॉर्डर पे है पूर्व साइड में, सहारनपुर ऊपर है, और जो ये आपका ललितपुर है ये बुंदेलखंड नीचे चला जा रहा है, बीच में हरदोई, तो भैया कहां बॉर्डर शेयर करेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत, हरदोई बिल्कुल ही गलत जवाब है, ठीक है। तो आंसर आपको इसका मिल ही गया होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता, यानी कि बॉर्डर शेयर नहीं करता है, यूपी का। और मैंने कहा कि यूपी के 11 जिले 11 डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश के आउट ऑफ 75 में वो जो है बॉर्डर शेयर करते हैं। देखते हैं कौन नहीं करता है। पहला है इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के बारे में बात कर रहा है, दूसरा है मिर्जापुर, तीसरा है इटावा और चौथा है अलीगढ़। और ये पूछ रहा है कि कौन एमपी के साथ नहीं करता है। एक बात बताइए, प्रयागराज है, बगल में एमपी है, बिल्कुल है सर, ये तो करता है। मिर्जापुर विंध्याचल देवी का मंदिर है, मिर्जापुर, और वेब सीरीज भी आई थी, सभी लोग मिर्जापुर को जानते होंगे, कालीन भैया वाला, तो मिर्जापुर भी क्या करता है, शेयर करता है बॉर्डर, ठीक है। मिर्जापुर मंडल के अंतर्गत सोनभद्र भी तो आता है, सोनभद्र की जिला है, मिर्जापुर के अंतर्गत आता है वो। और जैसे मैंने सोनभद्र बताया, चार राज्य से घिरा हुआ है, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये भी हो गया। तीसरा आ गया इटावा। इटावा चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, आप इटावा से परिचित होंगे, मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव, ये भी हो गया। लेकिन अलीगढ़ नहीं भैया, अलीगढ़ कहां से कर देगा, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है और कौन राज्य उसमें शामिल नहीं है। दोस्तों मैंने कहा ना शुरुआत में, यूपी जो है 8 राज्य, 8 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और आपसे पूछ रहा है किसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करेगा, तो 8 राज्य मैंने बताया, 4 तो वैसे ही याद कर लो, या सोनभद्र वाला, बिहार है, झारखंड है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, ये तो वैसे ही हो गए, सहारनपुर वाला 3 याद रख लो, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, राजस्थान भी यात्रा को, राजस्थान है आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 हो गए ना। और एक यूटी है, तो 1 यूटी कौन सा हो गया, यूनियन टेरिटरी, वो आपका दिल्ली है, टोटल दिल्ली हो गया। अब बताओ यूपी क्या उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है, बिल्कुल करता है, ये तो सही है, नहीं पूछा है, याद रखियो। उड़ीसा, उड़ीसा कहां से हो जाएगा, यूपी कहां है, उड़ीसा कहां है, जगन्नाथपुरी
कहां उड़ीसा, भुवनेश्वर बहुत दूर है, तो ये तो होगा नहीं। मध्य प्रदेश के साथ करता है, झारखंड के साथ करता है, यानी ऑप्शन इसका हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया यूपी की परीक्षाओं में। निम्न प्रकार की मिट्टी में किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है, यानी कि बुंदेलखंड जो रीजन है, जो क्षेत्र है, कौन सी मिट्टी सॉयल वहां पे पाई जाती है? काली कपास की मिट्टी, दूसरा है जलोढ़ मिट्टी, तीसरा है करेल मिट्टी, चौथा है बिंधन मिट्टी। और ये पूछ रहा है कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। आप सभी जानते हो ना, जो काली जो मिट्टी है ना, वो कपास की खेती के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होती है, और यही जो है बुंदेलखंड एरिया में जो है पाई जाती है। ठीक है, याद रखिए, जो आपका ऑप्शन ही हो जाएगा ए, बिल्कुल ही इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में, भाबर जो क्षेत्र एरिया है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? मृदा फिर सॉयल से क्वेश्चन पूछा। पहला है महीन जलोढ़, दूसरा है दलदली, तीसरा है कंकरीली व पथरीली, और चौथा है भूर। और मृदा पूछ रहा है कि आप बताइए, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में पूछ रहा है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वो पाई जाती है भूर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए सॉरी, यहां पर जो है कंकरीली और पथरीली है, यहां पर ऑप्शन सी है, ऑप्शन इसका सी है, कंकरीली और पथरीली जो है ये पूछ रहा है भाबर क्षेत्र में, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, लाल मिट्टी मुख्यतः कहां पाई जाती है? लाल जो मिट्टी है वो कहां पाई जाती है? पहला है सीतापुर बाराबंकी में, चूंकि सीतापुर लखनऊ के बगल में है और बाराबंकी भी लखनऊ के बगल में है, नवाबों का शहर लखनऊ, मुस्कुराइए आप उत्तर प्रदेश में है। 1857 के महाविद्रोह के समय जो है बेगम हजरत महल ने, जिसे प्यार से हम महकपरी कहते हैं, उन्होंने नेतृत्व किया था लखनऊ से। ठीक है, और हमारा जो राजकीय चिन्ह है, एक वृत्त में दो मछली तीर और धनुष, जो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह अगर हम बात करें, तो राजकीय चिन्ह जो है हमारा उत्तर प्रदेश का, एक वृत्त में दो मछलियां, जुड़वा मछलियां जो है, दो मछलियां और तीर धनुष, जो तीर धनुष है, तीर प्लस धनुष, ये कहां से लिया गया है? रूमी दरवाजा से लिया गया है, एतमादौला ने बनवाया था रूमी दरवाजा। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लाल मिट्टी कहां पाई जाती है, तो भैया लाल मिट्टी पाई जाती है मिर्जापुर में और झांसी में। ठीक है, मिर्जापुर काफी फेमस है और झांसी आप जानते ही हैं, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी सुभद्रा कुमारी चौहान, आप सभी जानते हैं, उन्होंने लिखा भी था झांसी के रानी के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में पूछ रहा है कि लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती है? तो मंडल पूछ रहा है, यानी कि यूपी में मंडलों की संख्या कितनी है, तो मंडल हमारे टोटल उत्तर प्रदेश में 18 है। अगर जिला पूछे तो जिला हमारे उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 75 है। कितना? 75 है। ठीक, और ये पूछ रहा है कि कहां पर जो है लवण प्रभावित मृदाएं पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती है आगरा और अलीगढ़ में। आगरा के बारे में मैं आपसे बात कर चुका हूं, आगरा जो है राजस्थान के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, आगरा का पेठा पूरी दुनिया जानता है, पंछी पेठा सब लोग जानते भी हैं, तो अलीगढ़ का ताला काफी फेमस है, याद रखिएगा, अलीगढ़ का ताला फेमस है। मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, पीतल उद्योग के लिए। गोरखपुर का क्या फेमस है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पढ़ेंगे, गोरखपुर का टेराकोटा, GI टैग मिला है टेराकोटा। और इसके साथ चित्रकूट के बारे में सभी जानते हैं, चित्रकूट जो है कुछ एरिया यूपी में है, कुछ मध्य प्रदेश में, छोटा सा चित्रकूट, राम जी से रिलेटेड है चित्रकूट। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, यानी कि आगरा और अलीगढ़। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहां सर्वाधिक वर्षा होती है पूरे यूपी में? चार ऑप्शन है आपके पास, बांदा है, मुरादाबाद है, गोरखपुर है, वाराणसी। दोस्तों देखिए, तराई बेल्ट है गोरखपुर में, पूर्वी साइड में तराई क्षेत्र कहते हैं, कभी बारिश हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी ओलावृष्टि हो जाती है, कभी कुछ भी हो जाता है। और भारत में खेती क्या है? मौसम का जुआ है। तो पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है, तो उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा अगर पूछे सर्वाधिक वर्षा कहां होती है, तो वो होती है गोरखपुर में, और सबसे कम एटलीस्ट पूछे कहां होती है, तो वो होती है मथुरा, भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा। ठीक है, और मथुरा जो है, मैं बार बार कह रहा हूं कि राजस्थान के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। अगला क्वेश्चन पे बात करें, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लगातार कई साल में पूछा हुआ है, देखिए यूपीपीसीएस आरओ एआरओ में पूछा है, री एग्जाम में पूछा है, लोअर में पूछा है, अपर में कई बार पूछा है। सस्त जलवायु क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश से कितनी संख्या बांटी गई है?
तो देखिए उत्तर प्रदेश में लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कितने पार्ट में से डिवाइड किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 9। कौन कौन से हैं? एक तो आपका भाबर एवं तराई का क्षेत्र है, तराई बेल्ट का। दूसरा है पश्चिम के मैदान है। तीसरा है मध्य पश्चिमी मैदान। चौथा है दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क मैदान। पांचवा है मध्य मैदान। छठा है बुंदेलखंड रीजन। सातवां उत्तरी पूर्वी मैदान। आठवां जो है पूर्वी मैदान। और नौवां जो है विंध्य का क्षेत्र जो है। ठीक है, तो 9 भागों में इसको बांटा गया है। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी होती है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो ये आपका चूंकि बहराइच, बलरामपुर, गोंडा और आपका लिखा है जौनपुर। ठीक है, जौनपुर में जो नदी है गोमती नदी है, जैसे लखनऊ में नदी है गोमती नदी है, प्रतापगढ़ में सई नदी है, गोरखपुर में राप्ती नदी है, कानपुर में गंगा जी है, बिठूर में गंगा जी है, प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। और ये क्वेश्चन क्या पूछा कि पोटास की कमी जो है, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है किस जिले में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है जौनपुर में। ठीक है, और जौनपुर का तो खैर सभी लोग जानते होंगे, जौनपुर जो है उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़ और मऊ जनपद की मिट्टियों में मुख्यतः पोटास की कमी पाई जाती है। ये जो मऊ है बगल में देवरिया है इसके, आजमगढ़ क्या है एक आपका मंडल है, जौनपुर क्या है एक डिस्ट्रिक्ट है, और जौनपुर के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। ठीक है, वेब सीरीज आई थी कालीन भैया वाली। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का पूछ रहा है कौन सा वन्य जीव अभयारण्य जो है 1975 में जो है एस्टेब्लिश किया गया था, कौन सा ऐसा है उत्तर प्रदेश में जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी? पहला है किशनपुर, दूसरा है कतरनिया घाट, तीसरा है रायपुर, चौथा है चंबल। 1975 की बात कर रहा है, 2024 चल रहा है, देखते हैं कौन सा है। तो इसका सही जवाब है, ये आपका पूछ रहा है कि वन्य जीव अभ्यारण्य जो है 1975 में स्थापित किया गया था, तो किया गया था आपका कतरनिया घाट को। ऑप्शन इसका हो जाएगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, कतरनिया घाट। देखिए कतरनिया घाट के बारे में बात करें तो 1975 में किया गया था। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है 1972 में किया गया था। चंबल की जो बात हम कर रहे हैं उसकी 1979 में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक और है इसमें कि 31 मई 1976 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कतरनिया घाट आरक्षित वन क्षेत्र को वन्य जीव विहार जो है घोषित कर दिया गया है। ये भी एक फैक्ट याद रखिएगा, 31 मई 1976 को। ठीक है, 1976 को इसे वन्य जीव विहार क्या किया गया है, घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है, निम्नलिखित में से कहां पर अवस्थित है? चंद्रप्रभा के बारे में आप पूछ रहा है, ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है पीलीभीत, दूसरा है चंदौली, तीसरा है उन्नाव, चौथा है महाराजगंज। अब एक बात बताइए, बात आई चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य के बारे में, तो एक जिला है चंदौली, राजनाथ सिंह जी का गृह जनपद चंदौली जो है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। और 1957 में, याद करने का तरीका 1857 के महाविद्रोह के 100 साल बाद याद रख लीजिए, जैसे 1757 में प्लासी याद रखते हैं, 1857 में 1857 का महाविद्रोह याद रखते हैं, वैसे 1957 में याद रख लीजिएगा चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। ठीक है, और यहां कहां पर है ये, चंदौली में है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, बनारस के बगल में है, चंदौली में है। अगला क्वेश्चन पे बात करें, अगला क्वेश्चन विजय सागर जो पक्षी विहार है उत्तर प्रदेश के किस जिले में, यही पूछ रहा है विजय सागर। पहला है महोबा, दूसरा है मेरठ, तीसरा है मुरादाबाद, चौथा है महाराजगंज। माय डियर, जो विजय सागर की अगर हम बात करें तो विजय सागर आपका पड़ता है ये आपके महोबा में, महोबा जिला में जो है विजय सागर पक्षी विहार पड़ता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो याद रखिएगा ऑप्शन इसका हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। मैं ये क्यों क्लास ले रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, एक आइडिया डेवलप हो आप सभी को कि उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि मुस्कुराइए आप उत्तर प्रदेश में, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। अगला क्वेश्चन पे बात करें, अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? अमनगढ़ के बारे में बात कर रहे हैं भाई साहब। पहला है ऑप्शन आपका दुधवा, दूसरा है पीलीभीत, तीसरा जिम कार्बेट, चौथा राजा जी। तो आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का प्रथम टाइगर जो रिजर्व था वो जिम कार्बेट नेशनल पार्क
अब चूंकि उत्तराखंड पहले अपने में ही था, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड अलग हुआ यूपी से, तो हम तो वहां से बात करेंगे ना उस समय, और अभी भी पार्ट है उसका, तो किसका हो जाएगा? जिम कार्बेट का हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन इसका हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था, और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जिम कार्बेट उत्तराखंड में चला गया, और अमनगढ़ जो है कहां बचा खुचा रह गया, अमनगढ़ हो गया उत्तर प्रदेश में, ठीक है याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मयूर संरक्षण केंद्र के बारे में बात कर रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान किस जनपद में इसे स्थापित किया गया है, स्थित किया गया है? तो पहला है महोबा, दूसरा है मथुरा, तीसरा है मैनपुरी, चौथा है महाराजगंज। मयूर के बारे में बात कर रहा है, संरक्षण केंद्र, ठीक है, इसका सही जवाब है आपका मथुरा, याद रखिएगा मथुरा भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा, मयूर संरक्षण केंद्र, ठीक है। और गिद्ध प्रजनन केंद्र पूछे तो महाराजगंज हो जाएगा।